हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1169th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसा वेबसाइट जहां पर आप मेंटल हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी बातों की जानकारी ले सकते हैं। एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप किस लेवल पर मानसिक रूप से स्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं, या आप किन सवालों के में घिरे हुए हैं, उसके जवाब भी आपको उस वेबसाइट पे मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम ये वीकली शो इसीलिए करते हैं जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर में या एक कॉमन इशू जो मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर में चर्चा करें, परिचर्चा करें। हमारे साथ नागपुर शहर की सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, मिसेस सोनल फुके। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। आज का जो विषय है ये विषय एक बड़ा संगीन विषय है जो माता पिता का एक कहीं ना कहीं उनका उनके साथ उनके मन में चलता है। प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात कह देते हैं लेकिन माता पिता अपने मन की बात एक दूसरे से भी नहीं कह पाते, व्यक्त नहीं कर पाते। गिल्ट इन पेरेंटिंग इज अ बिग इशू एंड स्लोली स्टेडली इट इज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आउट देयर, स्पेशली द वर्किंग क्लास। मैम, गिल्ट इन पेरेंटिंग को आप किस नज़रिए से देखती हैं? पहले तो ये जो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो सबसे पहले तो तुमको बहुत थैंक यू कि तुमने ये टॉपिक चुना आज का विषय करके। जी मैम। तो पेरेंट्स, पहली बार जब पेरेंट्स बनते हैं तब वो किसी यूज़र मैनुअल के साथ तो आते नहीं हैं। जी। तो उनको तो ये मालूम नहीं होता है कि क्या करना इम्पॉर्टेंट है, क्या अच्छा है, क्या वो अपना इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से, अपने अपने खुद के ब्रिंगिंग अप के हिसाब से, अपने खुद के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपने बच्चे को देने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब ये वो कोशिश करते हैं तब उनका टाइम बट जाता है नेचुरली, और जब वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते तब उनके अंदर एक निगेटिव इमोशन कॉन्शियस लेवल पे भी आता है, अनकॉन्शियस लेवल पे भी आता है। कभी कभी वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको ये रियलाइज नहीं होता कि बिकॉज दे आर फीलिंग गिल्टी दे आर ट्राइंग टू कॉम्पेंसेट ऑन दैट, एंड दैट इज़ वाई दे डू समथिंग विच माइट नॉट बी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड। एंड वेन दे डू इट, से फॉर एग्जाम्पल उनको चॉकलेट्स ला के देना, कैंडीज ला के देना अपना टाइम कॉम्पेंसेट करने के लिए, उनको अननेसेसरी एक्सपेंसिव चीज़ें, उनके डिमांड्स पूरे करना, उनकी ज़िदें पूरी करना, उनके टैंट्रम्स को नज़रअंदाज करना, ये सब चीज़ें वो कभी कभी इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गिव द टाइम दैट दे डिजर्व। पर मैम क्या करें, कोई और ऑप्शन तो है भी नहीं पेरेंट्स के पास। हाँ, तो एक्चुअली देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट everybody faces, any problem that you face can come under three different categories. So, एक problem ऐसे होते हैं जिनका हमारा कोई control नहीं होता उन problems पर. So, in our direct control जो problems बिल्कुल नहीं है, तो वो जो problems होते हैं उसके लिए हमको, हम वो problems के साथ लड़ नहीं सकते because we have to accept the situation कि ऐसा है। जैसे for example अगर एक वर्किंग वूमन है, अगर उसके पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स हैं और उसका जॉब इम्पॉर्टेंट है फैमिली के लिए, सो दैट इज नॉट समथिंग दैट शी कैन चेंज, सो दैट इज नॉट इन हर डायरेक्ट कंट्रोल। सो देन शी शुड फाइंड वेज टू एक्चुअली ट्राई, एंड जैसे मुझे वो हमेशा ही, मैं मेरे क्लाइंट्स को मैं बताती हूँ, जो एक इंदिरा नुई का जो एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था और सुना भी था जी, कि जो पेप्सिको की जो सीईओ है, सो हाउ डज शी हैंडल हर चिल्ड्रन स्मॉल लिटिल गर्ल्स, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि शी यूज टू वर्क इन लाइक डिफरेंट टाइम जोन्स, कभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, कभी यूएस में है, कभी इंडिया में है, कभी कहीं है, उसके बच्चे पता नहीं उनके यूएस में है फॉर एग्जाम्पल। तो पहले तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि फिजिकल प्रेजेंस मेरा हर बार पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने अपने अराउंड एक सिस्टम बनाया जिससे उन्होंने ऐसे ऐसे लोग अपने उस सिस्टम में रखे जो वो बच्चों को पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, अपने मेड को इंस्ट्रक्शंस दिए कि जैसे ही वो बच्चे घर आएगी उसको आप ये चार पांच सवाल करेंगे, फर्स्ट कि तुम्हारी स्कूल कैसे हुई है, टीचर ने कुछ बोला क्या, एंड देन शी विल एक्चुअली टेक डाउन नोट्स एंड
नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. और फिर ये जब इनका जब ब्रेक टाइम आता था तो उस वक्त वो मेड को एक्चुअली कॉल करती थी और पूछती थी कि तुम्हारी उससे क्या बात हुई है, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ. और अगर मैं बात नहीं कर सकती हूँ तो एटलीस्ट शी न्यू कि उसके ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं. सो बिकॉज शी एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरा करियर तो मुझे करना ही है और क्यों ना करे, मतलब वो भी करना चाहिए. तो बट फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सो मेक अरेंजमेंट्स अराउंड इट. जो वर्किंग मदर्स स्पेशली जो होती हैं, उनका मुझे ये हमेशा ही बोलना होता है कि आप अगर सुबह 8 बजे से शाम को 6-7 बजे तक अगर काम कर रही हैं तो आप प्लीज मेक श्योर एक चीज कीजिए कि ड्यूरिंग द होल डे आप अपने बच्चे को अपने माइंड स्पेस से अलग मत कर दीजिए. मतलब ऐसा कोई 10-15 मिनट का टाइम, कुछ 2-3 घंटे में 10 मिनट का टाइम ऐसा होना चाहिए जब आप एक जगह शांति से बैठ के अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि वो स्कूल से आया होगा तो उसका अभी रूटीन क्या होना चाहिए या उसका कैसे रहना चाहिए. तो वो माइंड स्पेस से अगर बच्चे को आपने निकाल दिया अगर, और फिर जब आप शाम को घर आते हैं तो नेचुरल है कि आपके अंदर वो गिल्ट आएगा. तो ये जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो आपके डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है, आप उसके लिए आप अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कीजिए. आप किसके साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप अपने मदर इन लॉ के साथ कर सकते हैं, आपके घर में जो भी लोग होंगे उनके साथ, या आपके पेरेंट्स के साथ, या अगर ऐसा कोई आपको लगता है कि जो अभी तो अच्छे डेकेयर्स भी हैं, मतलब जिनके साथ आप, इट्स बेसिकली कोलैबोरेटिंग विद अदर पीपल, सो दैट इज समथिंग विच यू कैन वर्क अराउंड योर ओन वर्क टाइम. ठीक है. द सेकेंड काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इज कि इनडायरेक्ट कंट्रोल है, मतलब यही कि जो हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं है. इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब काफी बार जैसे कुछ मेरे डॉक्टर क्लाइंट्स हैं जी, तो उनका ये होता है कि हमारी रेगुलर प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, हम लोगों ने वो मैनेज कर दिया जी. अब लेकिन मेरी बच्ची छोटी है, मुझे कॉन्फ्रेंसेस को जाने को मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे ये कॉन्फ्रेंस जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ पेपर प्रेजेंट करना है या और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मुझे करनी है, तो उस वक्त मैं उन लोगों को ये बताती हूँ कि यू रियली हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. इफ योर करियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग अबाउट इट, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड. इफ द चाइल्ड इज रियली स्मॉल अंडर द एज ऑफ से यू नो 7-8, टिल दैट टाइम द मदर इज रियली रिक्वायर्ड, फिजिकली भी रिक्वायर्ड है. सो उस वक्त आप ये चीजों को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं. आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि टिल द चाइल्ड स्टार्ट्स हिज यू नो और हर मिडिल स्कूल, मे बी यू विल जस्ट डू व्हाट इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, और बाकी की जो चीजें हैं आपको जरूर टाइम मिलेगा जब आप वो कर सकते हैं. क्योंकि वो अगेन द सेम थिंग कि जब आप वो पर्टिकुलर चीजें करते हैं और आप जब वो नहीं करते, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जब आप काम नहीं करते, तब वो गिल्ट फीलिंग आता है. तो ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, एक डायरेक्ट कंट्रोल, दूसरा इनडायरेक्ट कंट्रोल. और काफ़ी बार ऐसा होता है, एक मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. एक मेरी एक कस्टमर पेरेंट थी जो बैंक की मैनेजर, नागपुर की बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच की जो मैनेजर थी जी. तो शी केम, कुछ कंप्लेंट था बच्चे का, टीचर्स का कंप्लेंट था, तो वो आई थी एंड देन शी वाज बिल्कुल मतलब ब्रिमिंग विथ यू नो लॉट ऑफ इमोशंस. और जैसे ही मैंने उनको बोला कि इसके बिहेवियरल इश्यूज चल रहे हैं, सो शी जस्ट बर्स्ट एंड स्टार्टेड क्राइंग. तो मैंने थोड़ा सा पूछा कि क्या है, तो शी सेड कि मुझे सुबह बैंक खोलना भी पड़ता है और शाम को मुझे बैंक बंद भी करना पड़ता है. अब ड्यूरिंग द डे आई एम फुल्ली बिजी, और फिर जब मैं घर आती हूँ तब वो मुझे जो भी मांगता है वो मुझे लगता है कि वो मेरा काम है उसको देना. फिर वो टैंट्रम्स अगर करता है तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं डांटती हूँ, और उसको ऐसे लग रहा था कि सब कुछ मेरे चीज़ें हाथ के बाहर चली गई है करके जी. तो तब मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप अपने बच्चे से, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप काम तो उसके लिए भी कर रही है ना. मतलब इट इज नॉट जस्ट यू आर वर्किंग फॉर योर ओन करियर, आप उसके लिए भी काम कर रही है जी. तो जब आप उसके लिए भी काम कर रही है तो आपको इतना गिल्टी लगने की जरूरत नहीं है. सो कीप योर चाइल्ड इन योर माइंड स्पेस ड्यूरिंग द डे एंड ट्राई टू अरेंज थिंग्स फॉर द चाइल्ड. बट वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, टेक चार्ज लाइक अ पेरेंट. अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स जैसे करोगे
कि अब उसने जो मांगा वो दे दिया, वो अगर मिसबिहेव कर भी कर रहा है तो अब मैं उसको कैसे बोलूँ मेरे अंदर इतना गिल्ट है अगर आप ऐसा करेंगे. तो जो डिसिप्लिन आपको बच्चे के इसमें लाना है, जो आपको अच्छी बिहेवियर जो बच्चों को सिखानी है जी, वो आप नहीं सिखा पाएंगे और उसका फिर और फ्यूचर में एडिशनल गिल्ट आपको आएगा. सो रादर देन एड्रेसिंग दैट गिल्ट इन अ वे दैट नाउ यू आर अलाउिंग द चाइल्ड टू बी पैम्पर्ड, एक्चुअली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लव एंड पैम्परिंग. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन लव एंड पैम्परिंग. बट मैम, जैसे आपने बताया ये जो एग्जाम्पल है बैंक मैनेजर का, मैम उसकी तो परिस्थिति वैसी है मैम जहाँ पर उसको बैंक खोलना भी है, बैंक बंद भी करना है. मैं आपको बता रहा हूँ उनकी जिम्मेदारी जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, अपने करियर की तरफ फोकस करना चाहते हैं और पेरेंट बन गए हैं, तो उन्हें अपनी बच्चे की जिम्मेदारी स्पेशली मैम मदर वुमेन के साथ ये ज़्यादा है. आदमी के ऊपर में उतना प्रेशर नहीं है जितना महिलाओं के ऊपर है. मैम इसके अंदर में गिल्ट आना बड़ा स्वाभाविक है. मैम आता है गिल्ट, हाँ, तो इसको टैकल कैसे करें मैम? मैंने जैसे अभी बताया कि कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम अगर जैसे सिंगल फैमिलीज है मैम, जो कल्चर है वो बदल चुका है, अब जॉइंट फैमिलीज का कल्चर बहुत कम लोग इस पर बिलीव करते हैं. जब द फाइनेस्ट यू नो सिस्टम ऑफ फैमिली इन इंडिया कि आप यू नो एक जॉइंट फैमिली में रहें, लेकिन जो लोग मैम सिंगुलर फैमिली में रह रहे हैं मैम, उनके साथ क्या वो कैसे? देखिए, वी लिव इन अ वेरी गुड सोसाइटी. आवर इंडियन सोसाइटी इज स्टिल वेरी कोलैबोरेटिव. आपको अपने मतलब आप अगर अपने इन लॉज के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ अगर नहीं भी रह रहे हैं, फिर भी अच्छे चांसेस हैं कि वो आपको हेल्प करने के लिए आ सकते हैं. और काफ़ी सारे इंडियन फैमिलीज वैसे ही मैनेज करते हैं, पेरेंट्स हेल्प करते हैं, इन लॉज हेल्प करते हैं इस चीज़ में. तो कैसे मैम इसमें गिल्ट कम हो जाएगा? गिल्ट कम, देखो कैसा है कि गिल्ट इज अ निगेटिव इमोशन. पहली बात तो ये है कि गिल्ट इज अ निगेटिव इमोशन. इफ यू आर गिल्ट रिडन तो आप अपने बच्चे के लिए करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. तो आपको सबसे पहले मतलब गिल्ट कम करने का सॉल्यूशन ये है कि आप वो करें जो आपके कंट्रोल में है. कौन सा किस तरह का आपका प्रॉब्लम है? समथिंग विच इज़ नॉट इन माय कंट्रोल एट ऑल, समथिंग विच इज़ इन माय इनडायरेक्ट कंट्रोल, समथिंग विच इज़ इन माय डायरेक्ट कंट्रोल. जो चीज़ें मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है कि अभी मुझे अगर यहाँ जाना ज़रूरी नहीं था तो मैं नहीं गई और मैंने मेरे बच्चे के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ें की जी. तो मेरा गिल्ट कम हो जाएगा आपने जी. है ना. दूसरा ये है कि जो मेरे इनडायरेक्ट कंट्रोल में है कि मैं कोलैबोरेट करूँ लोगों के साथ. अभी तो धीरे धीरे चाइल्ड केयर सर्विसेज बहुत अच्छी हो रही हैं. मैंने खुद टॉडलर क्रिएट चलाया है 11 साल के लिए जी. तो हम लोग बहुत अच्छे से, अगेन इट इज अ कोलैबोरेशन. सो दिस इज, इवन इफ इट इज नॉट इन योर डायरेक्ट कंट्रोल, इट इज इन योर इनडायरेक्ट कंट्रोल, तो यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम पीपल. एंड समथिंग विच इज इन एब्सोल्यूटली नॉट इन योर कंट्रोल, डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग. क्योंकि अगर आपके अंदर गिल्ट भरा हुआ है तो वो आपके बच्चे को हेल्प नहीं कर रहा है. क्योंकि गिल्ट इज अ निगेटिव इमोशन, वो आपसे गलत चीजें करवाएगा. वो आपको ये नहीं सोचने देगा कि ये बच्चे के लिए अच्छा है या बुरा है. तो उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से ऑल्टर हमने करना चाहिए. हमने सिर्फ इसी बात पे नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो मुझे गिल्टी रहना ही पड़ेगा, तो अब तो मुझे पैम्पर करना ही पड़ेगा, अब तो मुझे चॉकलेट देना ही पड़ेगा, अब तो बच्चा अगर बदतमीजी कर रहा है, मुझे मार रहा है, तो मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा. मैं अभी भी उसको मैं डांट नहीं सकती क्योंकि मैं मेरे बच्चे के साथ दिन भर नहीं थी. मैम जब पेरेंटिंग के अंदर में गिल्ट भर जाता है, भरपूर तरीके से हो जाता है मैम, बच्चे की मानसिकता पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों का वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं अपने पेरेंट्स पे. उनका एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है पेरेंट, मतलब ये बच्चों को मालूम होता है कि मेरे पेरेंट मुझे कोई चीज़ गलत नहीं करने देंगे. सो दे गेट दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी व्हेन अ पेरेंट इज सेइंग नो टू समथिंग. तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो बच्चों में है वो हम निकाल लेते हैं जब हम उनको कुछ भी करने देते हैं जी. दे नीड दैट, दे नीड दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मैं भले ही कुछ गलत करूं लेकिन मेरी मम्मी मुझे कभी कुछ गलत नहीं करने देगी, वो मुझे डांटेगी जी. वो गलत चीज करने के पहले एक बार अपने पेरेंट की तरफ जरूर मुड़ के देखते हैं जी. और फिर अगर पेरेंट ने अलाउ किया तो वो करते हैं.
सो दे रिलाय अ लॉट ऑन द जजमेंट ऑफ द पेरेंट. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पेरेंट बिल्कुल सावधान रहे कि हम हमारे बच्चे को सही चीज़ ही अलाउ करें. अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल गैजेट्स हैं, अगर बच्चा गैजेट पे है तो हमारा टोकने का काम है. बच्चे के अंदर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसमें होती है कि मेरी मम्मी मुझे गलत चीज़ नहीं करने दे रही, और अगर मम्मी करने दे रही है इसका मतलब वो चीज़ सही है जी. तो वो जो डिपेंडेंस होता है बच्चों का हम पे, तो हमको तो हमारा जो जिसको हम सत्सत विवेक बुद्धि बोलते हैं, हायर थिंकिंग कॉन्शियंस, तो वो तो हमारा सफिशियंटली इस पे होना चाहिए ना. मैम बड़ा सरल है कि अगर यू नो कोई इंसान बिना गिल्ट के अगर कोई दिशा में जा रहा है और अगर उसके अंदर गिल्ट नहीं है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है. क्या मदर्स के साथ, क्या लेडीज़ के साथ, क्या पेरेंट्स के साथ, स्पेसिफिकली मदर पेरेंट के साथ, क्या ये चीज़ें काम करती हैं? क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मदर्स जो काम करती हैं, अगर वो गिल्ट फ्री पेरेंटिंग में रहे जिसमें उनको वो गिल्ट फ्री रहे और उनको एक आपने कहा कैसा है ना कि वो एक हमारा एम हो सकता है कि हमारे अंदर कम से कम गिल्ट हो जी. क्योंकि हमने एक लिस्ट आउट करना चाहिए कि मैं अगर जॉब कर रही हूँ तो मैं क्यों जॉब कर रही हूँ, उसका एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. अगर मेरे फैमिली को जरूरत है मेरे जॉब करने की, सो आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई एम अ सेल्फिश पर्सन, आई एम डूइंग इट फॉर माई फैमिली, राइट? आई एम doing so much of hard work, I am taking care of everybody, I am taking care of the food, all the logistics, and then still I am working, right? ये सब जब मैं कर रही हूँ तो मेरे अंदर guilt क्यों आना चाहिए, ये भी तो सवाल खुद को पूछना चाहिए ना जी. कि ये मुझे guilt क्यों आ रहा है, मुझे नहीं आना चाहिए. So you should actually list out कि why you are working. So you have to spend some time with yourself to actually understand why you are working. और मैम यहाँ पर आपका रोल कहाँ आता है एज अ साइकोलॉजिस्ट? मेरा रोल ये होता है कि आई टॉक टू द पेरेंट्स एंड आई टेल देम दैट इफ दे आर वर्किंग सो हार्ड दे शुड नॉट बी फीलिंग गिल्टी. लुक एट इट इन दिस वे. बाय द वे एक बहुत मेरी मेंटर हैं डॉक्टर नंदा राठी, उन्होंने एक उनका रिसर्च टॉपिक था कि जो वर्किंग वीमेन है दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच मोर इन अ चाइल्ड्स लाइफ as compared to the mothers who are just staying at home. And how, ma'am? I would really like to know how. See, there are so many aspects of life in which if a mother is empowered, she can contribute so much more in the life in terms of one, finances. Definitely. Putting in a good school, providing for good, clothes or maybe some co-curricular activities, extra classes, जो भी चीजें required होती हैं बच्चों के लिए. जी. एक तो first thing is financially she can provide more. Right. Second, she gets so much more exposure when she is working out. जी. तो उनका जो एक घर में रहने से जो एक बहुत ही perspective जो limited उनका जो होता है, so because they are handling so many things on their own. They are very confident, you know, they can stand up for their child if something comes up. Then they have the capacity to actually be there for the child if something is needed. And then health ki wajah se agar ghar mein koi health issues kisi ko aate hain, and if the mother is working, she has a network, you know, she has so much of, she is basically empowered. Ji. So she can help in so many more aspects. To aisa nahi hai ki jo stay at home moms hoti hain, see, I have absolute respect for stay-at-home moms because they have 100% contribution for the child. जी. उसमें कोई denial नहीं. जी. लेकिन जो working mothers हैं, they don't have to feel guilty because in spite of the fact that they are working, they are contributing at so many different levels to the child. तो सबसे पहले उनको ये dynamics समझनी चाहिए कि मुझे इतना guilty लगने की ज़रूरत है क्या? कहीं कहीं बेकार में तो नहीं? एग्जैक्टली. काफी बार बेकार में होता है वो गिल्ट. जरूरत नहीं होती वो गिल्ट की बिकॉज दे डोंट रियलाइज दैट दे आर डूइंग सो मच फॉर द फैमिली. और फिर भी उनको गिल्टी लगते रहता है, फिर भी उनको गिल्टी लगते रहता है. अच्छा, सिर्फ गिल्टी लग के वहां बात खत्म नहीं होती है. गिल्टी जब आपको लगता है उसके बाद एक्चुअली फिर आप
थोड़े गलत काम करना चालू कर देते हो जी, बच्चे के लिए जो सही नहीं है। मैम चादर से यू नो ज़्यादा पैर फैलाना की भी कोशिश पेरेंट्स करते हैं बच्चों की यू नो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए? करते हैं, सिर्फ पेरेंट्स बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, बट एट द सेम टाइम दे शुड नॉट थिंक दैट दे आर डूइंग इट फॉर द चाइल्ड, दे आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स। दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बी यू नो इट्स देयर चॉइस, इट इज देयर चॉइस एंड एवरी दे आर ऑल रियली वेल मीनिंग पेरेंट्स। बच्चा तो ताजमहल भी मांग लेगा, बच्चा बोलेगा कि दिन चांद में को ला दो अभी, लेकिन उसका वो वैल्यू फॉर मनी, ये इस तरह की जो चीजें हैं जो जैसे वैल्यू फॉर मनी है या फिर जैसे हैविंग कनेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग्स इन द फैमिली है, उनके लिए रिगार्ड है, उनके लिए रिस्पेक्ट है, ये इंस्टिल करने का काम प्राइमरीली पेरेंट्स का ही होता है। तो ये इस पे जो ध्यान देना है वो उनका कम हो सकता है, बिकॉज इफ दे आर गिल्टी देन दे थिंक कि इतने दिन इतने देर तो मैं बच्चे के साथ नहीं था और नहीं थी और अब मैं हूँ, तो मैं अभी क्या इस चीज़ के लिए मैं उसको डांटूँ? तुम बदतमीजी कर रहे हो तो कोई बात नहीं बच्चा करो, क्योंकि मैं तुमको नहीं डांट सकती अभी, क्योंकि मैं तो खुद ही गिल्ट में। वहाँ चीज़ें गलत हो जाती है, इसलिए वो गिल्ट से मतलब वो आपके बाहर काम करने से नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आपके गिल्ट की वजह से जो चीज़ें, और वैसे भी गिल्ट की डेफिनेशन ही वो है, It is a negative emotion and it is an emotion. When you don't do something that needs to be done, you're not doing. Or you're doing something which should not be done knowingly. मैम ये मेरा आखिरी सवाल, क्या मैम एक स्पेस में या पेरेंटिंग रह सकती है या गिल्ट, दोनों में से सिर्फ एक रह सकती है? नहीं, गिल्ट को बहुत निगेटिव तरीके से ऊपर आने ही नहीं देना चाहिए। गिल्ट तो रहेगा पेरेंट, अच्छा रहेगा ही, रहेगा ही, क्योंकि हमारी कोशिश ही शुरू रहती है ना, हमारी पेरेंटिंग, हम जब पेरेंटिंग करते हैं तब हम अच्छा पेरेंटिंग करने की कंटिन्यूस बेसिस पे कोशिश करते हैं जी, और कभी कभी हम अपने ही एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं जब उतरते जी, तब हमारे अंदर वो गिल्ट आता है, बिकॉज आफ्टर ऑल पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स ना, ह्यूमन बींग्स विल मेक मिस्टेक्स, ह्यूमन बींग्स विल फील गिल्टी, बिकॉज इट इज अ वेरी नेचुरल इमोशन दैट अ ह्यूमन बींग कैन फील व्हेन दे आर नॉट डूइंग समथिंग दैट नीड्स टू बी डन फॉर द चाइल्ड, उनके अंदर वो गिल्ट फीलिंग आएगा जी, बट उसको बहुत इमोशनैलिटी में नहीं बहते हुए जी, उसको ऑब्जेक्टिवली अगर एक इमोशन की तरह से देखें जी, और उसके लिए हम कर क्या सकते हैं उसके बारे में अगर हम उस पर ज्यादा सोचें कंस्ट्रक्टिवली, एंड देन डू समथिंग अबाउट इट, जो हमारे कंट्रोल में है वो करो जी, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसको एक्सेप्ट खुद भी करो और बच्चे को समझाओ कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर रही हूँ, हैव अ वेरी स्ट्रांग कनेक्ट विद द चाइल्ड जी। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो ये अपना खुद का पेरेंटिंग क्वेश्चन है, बताए कि मेरा बच्चा क्यों झूठ बोल रहा है। बच्चा पैदा होते बराबर झूठ बोलना शुरू नहीं करता है जी, उसने कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपका रिस्पांस उसको मिला है जिसकी वजह से उसने झूठ बोलना शुरू किया है जी। तो वो वहाँ पर ये चीज़ें हैं जिसपे इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, वहाँ आपको गिल्टी लगना चाहिए कि मेरे बच्चे ने झूठ बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा उतना सेफ नहीं फील कर रहा है आपके साथ। अब आप बोलेंगे कि अब मेरे बच्चे ने अगर कल को कुछ किया तो क्या मैंने उसको बिल्कुल डांटना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो मुझे बताएगा ही नहीं जी। बट देन फॉर दैट इट रिक्वायर्स अ लेवल ऑफ कनेक्ट विद द चाइल्ड, और वो आप जब ये अपने निगेटिव इमोशंस कम करेंगे तब आप जाके कनेक्ट होंगे, जाके कनेक्ट करेंगे ना। आई थिंक मैम गिल्ट इन पेरेंटिंग को आपने इतनी सरलता से समझाया, मुझे लगता है कि मैम बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस शो को सिर्फ इसीलिए शेयर भी करेंगे क्योंकि अब उन्हें पेरेंटिंग के सही मायने समझ में आ रहे हैं जो समझने चाहिए मैम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने बात बोली कि ये इमोशन तो रहेगा ही, बस इतना है कि लोगों को ये पता रहना चाहिए कि इस इमोशन को थोड़ा सा बाजू में रख के वो कैसे अपने बच्चे से कनेक्ट हो और अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, ना कि ये जो गिल्ट का जो फेलियर है इसको देखकर खुद दुखी होना शुरू कर दें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने गिल्ट इन पेरेंटिंग और हमको शायद और ज़्यादा सॉर्टेड बना दिया, जो आपका काम है बी सॉर्टेड आप कहती हैं, तो आपने हमको और थोड़ा सॉर्टेड कर दिया इस चीज़ को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आज
पेरेंटिंग को लेकर, गिल्ट इन पेरेंटिंग को लेकर एक बड़ी अच्छी बात सोनल फुके मैम ने कही। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक कैरेक्टर है, फिल्मी कैरेक्टर है, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि वो, वैसे तो वो फिल्मी कैरेक्टर सबसे नेगेटिव कैरेक्टर कहा जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर का नाम है मोगैम्बो, क्योंकि मोगैम्बो कभी दुखी नहीं हुआ, मोगैम्बो हमेशा खुश हुआ। मोगैम्बो ने पूरे गलत काम किया। मिस्टर इंडिया देखिए, आपको शायद वही चीज आप महसूस करेंगे कि दुनिया भर के बुरे काम मोगैम्बो करता था, लेकिन मोगैम्बो हर बार एक ही चीज कहता था कि मोगैम्बो खुश हुआ। हकीकत जो है वो यही है कि आप अगर गिल्ट लेकर चलेंगे ना, तो शायद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इफ यू वॉन्ट टू बी सिंपल एंड यू स्टिल वॉन्ट टू बी पावरफुल, यू हैव जस्ट अ फ्यू थिंग्स विच यू कैन एक्चुअली डू, एंड वन ऑफ इट और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट थिंग इज कीपिंग अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। ये स्पेस के अंदर में गिल्ट रहेगी, लेकिन अगर पेरेंटिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दें, बच्चे के कनेक्शन के साथ ज़्यादा ध्यान दें, जो सोनल फुके मैम कह रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग आसान हो जाएगी और बच्चे के वेलफेयर में ये बहुत बड़ा योगदान होगा। अगले हफ्ते इसी वक्त पर हम वापस मिलेंगे 20 ऑडिट के एक और कार्यक्रम में। ये शो को देखिएगा, ये शो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। 20 ऑडिट जिंदा रहे, जय हिंद।